बागी 4 के लिए सारा है नाडियावाला की पहली पसंद। किसके लिए कमिटेड हो गए हैं टाइगर और कैसे मैनेज कर रहे हैं टाइगर अपने बिजी स्केड्यूल को। दोस्तों 2016 की फिल्म बागी से श्रद्धा कपूर के पॉपुलर डांस नंबर छम छम को कोई नहीं भूल सकता। अभिनेत्री ने टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म में उनकी लव इंटरेस्ट सिया खुराना के रूप में एक शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री शेयर की थी, जो 2004 की तेलुगु फिल्म वर्षम की रीमेक थी। लेकिन दोस्तों श्रद्धा को बागी 2 में दिशा पटनी द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था और साहू स्टार हालांकि दोस्तों फिल्म की तीसरी इंस्टॉलमेंट के लिए एक्शन फिल्म फ्रेंचाइज में लौट आई हैं, जिसने टाइगर के साथ उनकी रीयूनियन को मार्क किया। अब खबर आ रही है कि बागी 4 में भी श्रद्धा की जगह सारा अली खान ले सकती हैं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के एक्शन सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी फ्रेंचाइज की आने वाली अगली इंस्टॉलमेंट बागी 4 के बारे में, जिसके स्केड्यूल्स में है लीड एक्टर टाइगर श्रॉफ काफी बिजी हैं। पॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों आपको बता दें कि सारा अली खान जल्द ही एक और एक्शन फिल्म में नजर आएंगी और इस बार बॉलीवुड के एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ के साथ। टाइगर और सारा बॉलीवुड के सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय एक्शन फ्रेंचाइज में से एक है और दोस्तों बता दूं कि बागी 4 में दर्शकों को इम्प्रेस करने वाली अगली नई जोड़ी होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार बागी फ्रेंचाइज के निर्माता साजिद नाडियावाला सारा को हीरोपंती 2 में लेने के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन दोस्तों उस समय चीजें नहीं बनी, इसलिए उस समय में तारा सुतारिया को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। वहीं दिशा को बागी 2 में देखा गया था, जबकि श्रद्धा कपूर ने बागी और बागी 3 में फीमेल लीड भूमिका निभाई थी और अब चलकर सारा का भी नाम इस सुपरहिट फ्रेंचाइज से जुड़ गया है। आपको बता दें कि फिल्म बागी 4 की शूटिंग दिसंबर में शुरू होगी और फिल्म का निर्देशन अहमद खान करेंगे, जिन्होंने फ्रेंचाइज की आखिरी दो इंस्टॉलमेंट का भी निर्देशन किया है। दोस्तों ये तीसरी बार होगा जब टाइगर श्रॉफ और अहमद खान एक साथ काम करेंगे। वहीं अभिनेता टाइगर श्रॉफ बिजी स्केड्यूल्स के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके पास फिल्मों और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी हुई है। दोस्तों अभिनेता के एक करीबी सोर्स के अनुसार वो अपने फिल्म स्केड्यूल के साथ शुरुआत करने से पहले कई तरह के ब्रांड कमिटमेंट में शामिल होंगे। टाइगर साल 2021 से 2022 तक कई तरह के सीक्वल पर काम करने का प्लान बना रही हैं, जिसमें से अधिकांश पेंडेमिक और उसके बाद आई इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण डिले हो गई थी। वॉर जैसी फिल्मों की सफलता के बाद दोस्तों टाइगर श्रॉफ के फैंस उनके नए वेंचर्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टाइगर श्रॉफ के एक करीबी सोर्स ने उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी दी और बताया कि वो उन्हें कैसे अलाइन करेंगे। उन्होंने कहा कि टाइगर की कई फिल्में पाइपलाइन में हैं और उनके बहुत जल्द बागी 4 की सेट पर लौटने की उम्मीद है। अपने इस प्रोजेक्ट की शूटिंग स्केड्यूल करने से पहले अभिनेता के पास ब्रांड कमिटमेंट्स का एक लंबा स्केड्यूल है, जिसे वो पूरा करेंगे। सोर्स आगे बताते हैं कि एक बार जब वो अपनी फिल्मों की शूटिंग वापस से शुरू कर देंगे तो उनका स्केड्यूल टाइट होने की उम्मीद है और उनके पास अन्य कामों के लिए समय नहीं होगा। दोस्तों टाइगर श्रॉफ आने वाले कुछ महीनों में कई सीक्वल फिल्मों में नजर आएंगे। बागी 4 और हीरोपंती 2 उनमें से एक फिल्में हैं जो फैंस के बीच काफी चर्चा पैदा कर रही हैं। 8 महीने के लंबे कोविड ब्रेक के दौरान उन्हें कई अन्य फिल्मों के लिए भी संपर्क किया गया था और दोस्तों फिल्मों की बात करें तो टाइगर इन दिनों अहमद खान द्वारा निर्देशित फिल्म हीरोपंती 2 की शूटिंग कर रहे हैं। एक बार जब उस फिल्म की शूटिंग एंड हो जाएगी तो वो मच अवेटेड फिल्म बागी 4 की शूटिंग भी शुरू कर देंगे। हीरोपंती और बागी के साथ टाइगर विकास बहल की बॉक्सर ड्रामा गणपत भी करने वाले हैं, जिसके लिए वो कृति सानन के साथ फिर से जुड़ेंगे। और दोस्तों रोहित धवन की रैम्बो भी तो है। की इसी नाम की हॉलीवुड कल्ट फ्रेंचाइज का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है और इस बीच सारा ने अतरंगी रे की शूटिंग भी पूरी कर ली है, जिसमें वो धनुष के साथ नजर आएंगी और फिल्म में अक्षय कुमार का एक्साइटेड कैमियो भी होगा। तो दोस्तों क्या आप तैयार हैं आने वाली सीक्वल में टाइगर के फुल पैक स्केड्यूल की मेहनत देखने के लिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे भाई इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हमारी आज की राइटर हैं जूही।